हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है हमारा 8th क्लास का जियोग्राफी का चैप्टर, चैप्टर 2 लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो इसका हाफ पार्ट जो है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। क्योंकि चैप्टर लेंथी है इसलिए हमने इसको दो वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस किया है। तो आज हम जो है अगला पार्ट जो है इसका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हम करेंगे। हमने जो पीछे किया है हम उसको अगर थोड़ा सा अगर रिकैप कर लें कि हमने पढ़ा था लैंड और सॉयल और वाटर कि ये किस लिए ज़रूरी हैं और ये किस कि क्या इनकी जो है डिग्रेडेशन क्यों हो रही है और हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम नेक्स्ट रिसोर्स पढ़ेंगे जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें कि जब भी हम अपने आसपास देखते हैं हम क्या चीज़ें देखते हैं, फिर चाहे वो घर में हो या बाहर हो, हम अपने आसपास देखते हैं कि चेयर है, टेबल है या खाना है, कपड़े हैं, ये सब हमें कहाँ से मिला है। कभी अगर उसके बारे में सोचें ये सब हमें कहाँ से मिला है, या तो हमें ये प्लांट से मिला है या फिर हमें एनिमल से मिला है, मतलब हमें नेचर से मिला है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर कोई टेबल है लकड़ी का तो वो हमें किससे लकड़ी किसी मिली है, हमें प्लांट से मिली है। और अगर हम अपने बात करें फूड की बात करें, या तो वो हमें प्लांट से मिला होगा या हमें वो एनिमल से मिला होगा। तो हम क्या हैं जो डिपेंडेंट है इनके ऊपर। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जो हैं या तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स भी क्या हैं, अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि उनको खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है और उनको पानी की ज़रूरत होती है जो उनको जो ग्राउंड वाटर है वहाँ से मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन सब चीज़ों के लिए। फिर चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अपनी जो सराउंडिंग है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हमें चाहिए हवा जो है ऑक्सीजन, वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगी। तो हम अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट, हमें जो पानी है वो हमें अर्थ से मिलेगा पानी जो है, और हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगी, हमें जो खाना चाहिए वो हमें प्लांट से मिलेगा, और जो भी हमें बाकी जैसे हम वूल की बात करें या फिर हम मीट की बात करें, मिल्क की बात करें, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो इस तरह से हम क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। हम सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। इसको कहते हैं इकोसिस्टम कि जब हम अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपना जो लाइफ सपोर्ट है, जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सब कुछ एवरीथिंग, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको जीने के लिए क्या चाहिए, जो भी उनको चाहिए उसके लिए या तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या जो अपना जो उनका सराउंडिंग होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कहते हैं और इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट कहाँ करता है, ये इकोसिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर लिथोस्फियर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो, मतलब जमीन भी हो, पानी भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो, जिससे हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारे पास जो गैसेस हैं जो नेसेसरी हैं वो सब हमें जो है इन तीन चीज़ों से मिलती हैं। तो जहां पे ये तीन चीजें होंगी, कौन कौन सी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वहां पे होगा बायोस्फीयर। और जो इकोसिस्टम कहां पे होगा, जहां पे बायोस्फीयर होगा, मतलब कोई भी अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल शब्दों में इसको मैं फिर से बताऊं कि हम जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा और अपनी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि प्लांट्स के बिना भी हम नहीं रह पाएंगे, एनिमल्स के बिना हम नहीं रह पाएंगे, पानी के बिना नहीं रह पाएंगे, सॉइल के बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या, अपनी एटमॉस्फेयर और जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं उसके ऊपर हम क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। उसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी इंटरडिपेंडेंट हैं, वो अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंडेंट, उनको पानी चाहिए जो उनको अर्थ से मिल रहा है, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए वो उनको एटमॉस्फेयर से मिल रही है। और अगर एनिमल्स की बात करें, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स, मतलब वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो ये क्या हो रहा है कि इंटरडिपेंडेंट, सब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो और एटमॉस्फेयर हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा हमने इसको समझा कि हमारे पास जो बायोस्फीयर क्या होता है और हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है। अब हम प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं,
ये बेसिक सी चीज़ है कि हम प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। प्लांट्स से हमें लकड़ी मिलती है, हमें शेल्टर मिलता है, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हम ब्रीथ करते हैं, और सॉइल जो है, अगर सॉइल नहीं होगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो प्लांट्स कहाँ से आते हैं? वो प्लांट्स जो है वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, क्रॉप्स नहीं होंगी, क्रॉप्स नहीं होंगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सॉइल के होने की वजह से ही प्लांट्स की ग्रोथ है, जिसको हम कहते हैं वेजिटेशन। और वेजिटेशन होने की वजह से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, जैसे वाटर, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्नअप ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। तो ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं जो आज हम अपनी डेली यूज़ में जो हम भी चीज़ें ला रहे हैं, वो सब हमें कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग से, अपने नेचर से, अपने वेजिटेशन से, या वाइल्ड एनिमल्स जिसको हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ, वहाँ से हमें मिली है। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें कि वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वाइल्ड लाइफ जो है उसमें क्या क्या आता है? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, सब कुछ। क्योंकि हमें एनिमल से हमें मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, सब कुछ, वूल मिल रहा है। और इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे हनी बी होती है, हनी बी जो है वो हमें शहद भी दे रही है, और साथ में वो पॉलिनेशन जो फ्लावर्स की ब्रीडिंग होती है उसमें भी हेल्प करती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक साइकिल बना हुआ है, चेन बनी हुई है, और इसमें से अगर कोई भी चीज़ जो है जिसमें हम इंटरफेयर करते हैं और वो चीज़ अगर ख़राब होती है, गड़बड़ होती है, तो सारा का सारा साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अगर ये जो अगर हम बात करें कि जो लाइफ स्टॉक्स होता है, जब भी कोई जो पशु है वो मर जाता है तो उसको जो है उसको डिकम्पोज कौन करता है? तो ये वल्चर्स जो होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि वल्चर्स का खाना ही वही होता है। इनको स्क्वेंजर्स बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो क्या होगा, अब लाइफ स्टॉक्स की मरने की वजह से क्या होगा, ये स्क्वेंजर्स जो है वो उनको डिकम्पोज कर देंगे, तो वो हमारा वातावरण जो है वो स्वच्छ रहेगा। पर एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है इसके बारे में हम ये एक स्टडी पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है कुछ टाइम से। अब जो हमारे पास लाइफ स्टॉक है, मान लीजिए जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे गाय, भैंस, बैल जो भी है, वो जब भी बीमार होते थे तो उनको जो ट्रीट करने के लिए पेन किलर जो दी जाती थी, उसका नाम था डेक्लोफेनेक। ये एक पेन किलर है जो एनिमल्स को दी जाती थी, दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन एंड इबोप्रोफेन। तो ये जो है ये एनिमल्स को दी जाती थी, और जब वो लाइफ स्टॉक या जो भी वो एनिमल है जब वो मरता था तो उसको जब वो वल्चर्स खाते थे, तो आप सोच लीजिए कि उस दवाई का कितना ख़राब असर होता था कि वो जो वल्चर्स हैं वो किडनी फेलियर की वजह से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जो एनिमल खाया उसको जो दवाई दी गई थी वो उसके लिए सही नहीं थी। उस दवाई की वजह से, उस दवाई का नाम हमने पढ़ा डिक्लोफेनेक, इसको थोड़ा सा अगर मेमोराइज़ कर लें तो अच्छा होगा। डिक्लोफेनेक दैट इज़ सिमिलर टू एस्पिरिन एंड और इबोप्रोफेन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसका किडनी फेलियर हो रहा था, तो इसकी वजह से जो वल्चर्स हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो रही थी। तो इसीलिए क्या स्टेप्स लिए गए कि उस दवाई को बैन करने के बारे में बहुत जो है कोशिशें शुरू हो गई, और जो वल्चर्स हैं उनको कैप्टिविटी में रखना शुरू कर दिया। कैप्टिविटी मतलब उनको कैद में रखना शुरू कर दिया, और उनकी ब्रीडिंग जो है वो ऐसे कराई जाती है कैद में, ताकि इनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म ना हो सके, उसको इंस्टिंक्ट होने से जो है वो बचाया जा सके। तो अगर हम देख रहे हैं कि हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम जो नेचुरल वेजिटेशन है और हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, हम उनके ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, शायद ये इस चीज़ का हमें एहसास नहीं होता, पर ये जो है ये सब कुछ जो है वो अपने आप हो रहा है, जो साइकिल जो है वो अपने आप चल रहा है। क्योंकि अगर चेन कहीं से भी ख़राब होती है, मान लीजिए लाइफ स्टॉक है, अगर ये वल्चर्स नहीं रहेंगे तो ये जो लाइफ स्टॉक है जो उसके मरने के बाद जब उसको उसको वो क्या करेंगे, अगर ये स्क्वेंजर्स नहीं होंगे, ये वल्चर्स नहीं होंगे उसको खाने के लिए, तो वो सड़ेंगे, गलेंगे, इससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा तो बीमारियां फैलेंगी। तो इस तरह से हाँ, एक साइकिल बना हुआ है, हर एक का अपना एक रोल है इस साइकिल में, हर एक इंसेक्ट्स का, हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का अपना एक रोल है इस साइकिल में निभाने के लिए। तो एक जिसको हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना हुआ है, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज़ का एक जो है वो एक बैलेंस बना हुआ है। तो अगर हम आगे बात करेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पे किस तरह की जो वेजिटेशन है, किस तरह की वनस्पति है, वेजिटेशन को हम कहते हैं वनस्पति, किस तरह की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किस जगह पे पाई जाती है, तो हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वेजिटेशन को। वो है फॉरेस्ट मतलब घने जंगल, ग्रासलैंड मतलब घास, स्क्रब्स मतलब झाड़ियाँ, और टुंड्रा।
टुंड्रा वनस्पति, तो हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये चारों जो फैक्टर्स हैं, जो चार हमने ग्रुप्स बनाए हैं, कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं रेनफॉल और टेम्परेचर के ऊपर। सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ क्या होता है, पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, घने होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा, मिट्टी में मॉइस्चर बने रहेगा। मिट्टी में अगर पानी की मात्रा बनी रहेगी और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होगा, तो क्या होगा, पेड़ बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी रीजनरेट होंगे, मतलब जो पेड़ पौधे हैं बहुत जल्दी जो है उगेंगे। तो जो हमारे पास जहाँ ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ों की जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ बहुत घने होते हैं और उनको कहा जाता है एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और जो उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आएँ, जहाँ पे बारिश कम हो रही है, जैसे मॉडरेट हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे जैसे पानी की जो पानी में मॉइस्चर है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो पेड़ों की जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, उनकी डेंसिटी और उनकी हाइट जो है वो कम होती जाएगी। उसी तरह से अगर हम तीसरे रीजन की तरफ आते हैं, जहाँ पे बारिश और कम होती है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, कांटेदार झाड़ियाँ होंगी। ऐसा क्यों होगा कांटेदार झाड़ियाँ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने एटमोसफियर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह की उनकी सराउंडिंग है, उनको कैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उस तरह से उनको अडेप्ट होना पड़ता है। तो अगर जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ पे थॉर्नी बुशेज, मतलब जो हमारे पास कांटेदार जो है छोटे पेड़ जो होते हैं वो होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उनमें होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होती है कि जो पेड़ों के, हम जानते हैं कि पेड़ जो है उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और एक तरह से पाइप की तरह सिस्टम बना होता है पूरे पेड़ में। तो वो जो पानी है वो पेड़ के हर कोने तक पहुंचता है, ट्री के हर कोने तक पहुंचता है। तो जब क्या होता है, जो पत्ते जो हैं वो कुछ पानी जो है वो वाटर लॉस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन, कि पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है हवा में। ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, लीव्स जो है वो पानी को इवेपोरेट कर देते हैं। तो जहाँ पे कम बारिश होती है, वहाँ पे क्या होता है कि लीव्स ने अपने आप को उस तरह से, उस सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लिया है, मतलब वो थोड़े कांटेदार बन गए हैं। क्यों? ताकि उनकी सतह से जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है पानी जो है वो लॉस ना हो, पानी जो है रिड्यूस ना हो, क्योंकि कम रेनफॉल की वजह से पहले वहाँ पे पहले ही पानी कम होता है। और उनकी जो जड़ें होती हैं, जो हमने बात की थॉर्नी जो स्क्रब्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, क्योंकि जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे होगा, तो उस पानी तक पहुँचने के लिए, इसलिए उनकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा, उनकी जो रूट्स है बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो है ट्रीज़ भी या कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, उन्होंने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया होता है। तो हमने तीन वेजिटेशंस के बारे में पढ़ लिया अभी, कि फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे घने भी होते हैं और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आते हैं जहाँ थोड़ी कम बारिश होती है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स, क्योंकि पेड़ों की जो हाइट है वो भी कम हो जाती है और वहाँ पे ग्रास ज़्यादा होती है। उससे तीसरे में हम आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, वहाँ पे क्या होता है, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं कांटेदार होते हैं और थोड़े छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं हाइट में। और जो चौथी वेजिटेशन है लास्ट वाली, उसको हम बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होती है, टुंड्रा जो वनस्पति होती है ये पोलर रीजन्स में, क्योंकि अब वहाँ पे जो बाकी वनस्पति नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वहाँ की सराउंडिंग या वहाँ के उनको जो चाहिए, जो बेसिक नीड्स के लिए, जो उनको टेम्परेचर चाहिए, जो उनको रेनफॉल चाहिए, वो वहाँ पे नहीं है। तो ये जो वनस्पति है टुंड्रा वनस्पति, वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है वैसे सराउंडिंग या वैसे एरिया में। तो ये पोलर रीजन्स में होती हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, हम बात करें एंटार्क्टिका की बात करें या आर्कटिक की बात करें, वहाँ पे इस तरह की वनस्पति होती है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस और लाइकेंस। ये जो वनस्पति है इसको हम थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं कि जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है उसके अगर एग्जांपल्स पूछें तो मॉसेस एंड लाइकेंस जो है वो उसके एग्जांपल्स हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब एंटार्क्टिका और आर्कटिक। ठीक है, तो हमने जो है वो हमने चार ग्रुप्स में डिवाइड किया नेचुरल वेजिटेशन को। तो हम सबसे पहले अगर फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट को भी हम जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एवरग्रीन और डेसीड्यूस। एवरग्रीन कौन से होते हैं, एवरग्रीन जो हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है रेनफॉल भी ज़्यादा होगा
और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा, पेड़ जो है बहुत जल्दी रीजनरेट करेंगे, हाइट ज़्यादा होगी, घने होंगे। तो वो पेड़ क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, वो जो ट्रीज़ होते हैं वो एक साथ जो है वो अपने पत्ते जो है वो नहीं गिराते, जिसको हम पतझड़ कहते हैं। तो एक साथ पत्ते नहीं गिराते तो वो हमें हमेशा जो है वो हरे नज़र आते हैं। पर जो डेसिड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीज़न में एक साथ जो है वो अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। क्यों? ताकि जो है वो अपने जो ट्रांसपीरेशन है, जो हमने सिमिलर प्रोसेस पढ़ा कि जो पत्ते हैं वो कुछ वाटर जो है उनका जो पानी है सतह से वो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ वो वाटर रिड्यूस कर देते हैं ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो पानी को जो है वो संजोए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वो क्या अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन जो है वो नहीं हो सके। तो हमने दो पढ़े कि एवरग्रीन और डेसिड्यूस, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन अदर। अगर हम अभी बात करें कि 200 साल पहले अगर बात करें तब कितनी पॉपुलेशन थी और अभी कितनी पॉपुलेशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो अभी पॉपुलेशन है उसको उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा जो है प्लांट्स की ज़रूरत है, एनिमल की ज़रूरत है। और शायद हम जो है अगर हम बात करें कि ये सब जो चीज़ें हैं ये रिन्यू होने के लिए इनको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं जो अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उनको कंज़र्व करें, अभी प्रेजेंट के लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी। तो हम कैसे कंज़र्व जो है वो कर सकते हैं, कंज़र्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। हमें पता है कि ये जो इकोसिस्टम कैसे बनता है, हर चीज़ से बनता है इकोसिस्टम। उसमें सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनमें से अगर एक भी कम हो जाता है तो ये इकोसिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। इकोसिस्टम जो है, अगर हम बात करें, एक छोटा सा पॉन्ड है वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है। कैसे? अब एक अगर मान लीजिए कि एक पॉन्ड है, उसमें छोटे छोटे उसमें फिश रह रही है, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स रह रहे हैं, तो फिश जो होगी वो छोटी मछलियों के ऊपर डिपेंडेंट होगी खाने के लिए, छोटी मछलियां इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, पानी जो है उनको पानी में उनको जो है ऑक्सीजन जो है वो एटमोसफेयर से मिल रही है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और अपने एटमोसफेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पॉन्ड को भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह का ये छोटा सा इकोसिस्टम है। तो हम इनको कैसे ख़त्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे पढ़ा कि पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमें ज़्यादा घरों की ज़रूरत है, ज़्यादा हाउसेस की ज़रूरत है, ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप उगा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और डीफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, पेड़ कटने की वजह से हो रही है सॉइल इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, तो जो प्रोडक्शन है क्रॉप प्रोडक्शन वो हमारे पास कम हो रही है। या फिर हमारे पास जब जो सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, या जो जंगलों में आग लगती है, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं, किसको अफेक्ट करती हैं, हमारा जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। इनकी वजह से जो है वो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब जो है ख़त्म हो रहे हैं। और सबसे मेजर जो चीज़ है एनिमल्स के ख़त्म होने का, वो है उनकी जो है इलीगल पोचिंग, उनका शिकार करना। क्यों किया जाता है, सिर्फ उनके जो है स्किन के लिए, उनके नेल्स के लिए, टीथ के लिए, उनके सींगों के लिए, सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए जो एनिमल्स का है जो इलीगल जो है उनका शिकार किया जाता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके लिए जिनका शिकार किया जाता है, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो हम पढ़ेंगे कि जो है क्या अवेयरनेस प्लान जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, क्या उनके स्टेप है कि हम जो हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको हम कंजर्व करके रख सकें। तो सबसे पहले तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो है गवर्नमेंट ने इसको एक इनिशिएट जो है बोलते हैं कि किया है। हमने सुना होगा या हमने देखे भी होंगे, कई नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड स्पीयर्स होते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, जहाँ पे इन चीज़ों को कंजर्व करके रखा जाता है। नेचुरल पार्क क्या होता है, ए नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन।
नेशनल पार्क मान लीजिए कोई एरिया है, अगर 5x5 किलोमीटर के एरिया है, उसके अंदर जितने भी इकोसिस्टम होंगे उनको कंजर्व करके रखना है। हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने जीने के लिए। तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है, एक छोटा सा एरिया भी हो सकता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम जो है उनको कंजर्व करने के लिए एक नेशनल पार्क जो है वो बनाया जाता है, एक एरिया डिसाइड कर लिया जाता है कि इसमें जो है वो जो भी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उनको कंजर्व करेंगे, उसमें कोई भी जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई भी पोचिंग नहीं होगी। ये सब जो चीज़ें हैं ये डिसाइड करती हैं नेशनल पार्क को। और भी जैसे हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ सॉरी जो वाइल्ड सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर्स बनाए जाते हैं, तो ये सब किस लिए बनाए जाते हैं कि ताकि हम वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको जो है वो कंजर्व कर सकें। और दूसरा आता है वन महोत्सव कि अवेयरनेस प्लान चलाए जाते हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है कि हमारे जो जंगल हैं, जो हमारे पेड़ हैं, उनकी क्या अहमियत है उसको बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि हर साल 5 जून को, 5 जून को है जो हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, वो भी इसीलिए ताकि हम जो है अपने वातावरण, अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो है जागरूक कर सकें, बच्चों को और सबको जो है वो जागरूक कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अवेयरनेस की। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो जो हमारा जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, उसको अगर बचाना है तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसी के लिए एक और स्टेप जो है वो लिया गया है, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ एंड एनिमल्स आर इलीगल। इंडिया में भी जो है वो अगर ये जो इलीगल कर दिया गया है, किलिंग ऑफ लायन, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स, इन सब की किलिंग को है जो है वो इलीगल कर दिया गया है। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में। साइट्स क्या है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, क्यों बनाई गई है। It was established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. अब साइट्स है क्या, हम थोड़ा सा अगर इसके बारे में पढ़ें, साइट्स है एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी, और जो हमारे पास उसको बचाने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए साइट्स एक तरह का जो है वो एक एग्रीमेंट है, जो हमारे जो अलग अलग देश हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट है कि हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, उसको विलुप्त होने से बचाना है। और अगर अभी तक देखें रफली 5000 जो हैं वो प्लांट्स की स्पीशीज को बचाया जा चुका, एनिमल्स की स्पीशीज को बचाया जा चुका है, और 28,000 जो है वो प्लांट्स की स्पीशीज को अभी तक प्रोटेक्ट किया जा चुका है। तो साइट्स जो है ये, अगर इसका थोड़ा सा मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको बताऊं, तो 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया था कि इसको बनाने का जो है पूरी प्लानिंग की गई थी, पर जो हमारे पास कब ये जो है हम बोलते कि एक्शन, ये एक्शन में कब आया था, ये लागू कब किया गया था, 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई 1975 को, 1975 को ये जो है ये लागू किया गया था। और जो साइट्स है इसको हम जो है वो वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जो कन्वेंशन है जिसको हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, तो वो है साइट्स द कन्वेंशन, जिसको हम कहते हैं द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन फंडामेंटल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये हमने थोड़ा सा आज डिस्कस किया नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, कैसे हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स हैं और कैसे ये इनकी जो डिग्रेडेशन हो रही है और कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं और कौन कौन से जो अवेयरनेस प्लान हैं जो चलाए गए हैं इसके लिए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। थोड़ी सी एक्सरसाइज है, अगर हम वो भी साथ में डिस्कस कर लें। क्वेश्चन है विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सॉइल फॉर्मेशन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारे पास एक तो होगी रेनफॉल और दूसरा हो गया टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा जो रेनफॉल और टेम्परेचर, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग इज मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, ये हमने पिछली वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की, जब हमारे पास ब्रेक, जिसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स,
ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स, कि जब ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल की वजह से हमारे पास जो रॉक्स टूटती हैं वो सॉइल बनाती हैं. तो ये जो दो फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए. दूसरा है राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन. तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा, ओवर ग्रेजिंग जो है, ये सारे जो क्या फैक्टर्स हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए. तीसरा है वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. क्यों हम लैंड को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहते हैं? क्योंकि अगर लैंड नहीं होगा तो सॉइल नहीं होगी, सॉइल नहीं होगा तो प्लांटेशन नहीं होगी, प्लांटेशन नहीं होगी तो हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है. आगे है नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स. कौन कौन से हमने पढ़ा है कि नेचुरल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, या वन महोत्सव जो है वो जो है मनाया जाता है अवेयर करने के लिए, और हमने एक बड़ा साइट्स के बारे में पढ़ा. तो ये सारे क्या हैं? अवेयरनेस प्लान्स जो हैं किस लिए? अपने प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए. सो जस्ट थ्री वेज टू कंजर्व वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए तीन जो है कौन कौन से वेज हो सकते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे पहले पानी को वेस्ट नहीं करना है. तीसरा है कि अगर हम जो इरिगेशन करते हैं उसमें अगर ड्रिपिंग सिस्टम का यूज़ करें तो हम पानी को बचा सकते हैं. और जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको हम जो है वो साफ़ सुथरा रखें, उन्हीं को हम कंजर्व कर लें तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें हो सकती है. जैसे फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो सीधा अगर नदियों में जाता है तो पानी क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता. तो ये सब कुछ वेज हैं जिससे हम पानी को जो है कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. टाइम इज ए फैक्टर, बिल्कुल है. ऑर्गेनिक मैटर के ये दोनों जो हैं वो फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के. कौन सा फैक्टर नहीं है? सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर इज नॉट ए फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? ऑप्शन है शेल्टर वेल्स, ऑप्शन बी इज मल्चिंग, एंड ऑप्शन सी इज टेरेस कल्टीवेशन. तो जो हिल स्लॉप्स होती हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेरेस कल्टीवेशन. स्टेप्स बनाए जाते हैं, स्टेप्स की तरह जो है वो खेत बनाए जाते हैं ताकि जो पानी के फ्लो से जो सॉइल जो है वो इरोड ना हो सके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ऑप्शन है स्विच ऑफ द बल्ब एंड नॉट इन यूज. बिल्कुल सही है, ये हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो नेचर है वो कंजर्व रह सके. क्लोज अ टैप इमिडिएटली, पानी हमें बचाना है बिल्कुल. तीसरा है डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग. तो ये नहीं है क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो नेचर कंजर्व नहीं होगा क्योंकि पहले तो पॉलीबैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. हमें 3 R's को फॉलो करना है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल. तो अगर हम उसको अगर यूज़ करते भी हैं तो उसको डिस्पोज नहीं करना है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नेक्स्ट इज इनको हमने मैच करना है, मैच द फॉलोइंग्स. लैंड यूज़, लैंड यूज़ का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड. ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल. और ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर, हमने पढ़ा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है जब डिकम्पोज होते हैं तो उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो मिट्टी में मिल जाती है. आगे है रॉक डैम्स. रॉक डैम्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? हमारे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए. और एरेबल लैंड जो होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरेबल लैंड. नेक्स्ट है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ द इंडिया इज एन ओवर पॉल्यूटेड. बिल्कुल ट्रू है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास हमने पढ़ा कि जो नदियाँ होती हैं वहाँ की आसपास की ज़मीन उपजाऊ होती हैं क्योंकि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी वहाँ कर लेके आती हैं और वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ रहती है. नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. बिल्कुल, जो हमारे पास जो पानी की कमी हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो पोल्यूट होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से पानी जो है उसकी कमी हो रही है. रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग. ये फॉल्स है क्योंकि जब कोस्टल एरिया में जो ट्रीज लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि हवा के बहाव को रोकें जिससे सॉइल इरोजन ना हो. तो इसको इंटरक्रॉपिंग नहीं कहा जाता है बल्कि शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है. नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम. तो ये जो है वो फॉल्स है क्योंकि इकोसिस्टम को अगर बचाना है तो कम से कम जो है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस होनी चाहिए. तो ये हमने कर लिया आज का चैप्टर जो भी था हमारा रिमेनिंग जो बचता था. तो अगर कोई भी उसके अगर जो क्यूरीज होंगी आप हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें. और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो अगली वीडियो है हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बनाएंगे, तो बस ये जो बुक है वो कंप्लीट होने के बाद हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो हम उनको डिस्कस करेंगे. तो आई होप ये जो चैप्टर है वो उसको लेके इसमें जो भी क्यूरीज होंगी या जो भी कंटेंट है वो आपको समझ आ गया.
होगा। तो थैंक यू सो मच, और अगर चाहते हैं कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।